16 साल की उम्र में प्यार हुआ था। लड़की कौन? मामू की बेटी। वो भी करती थी प्यार? तो बस अब उसके लिए ही सही होने लगा हूँ। वापिस कितने साल नशा की? मैंने कोई 4 साल हो गए। डेली मैं कि तू घर जाता हूँ, उनको घर बहुत दूर नहीं है, घर के पास है। हाँ जी। अच्छा, नशा करके रोजाना घर जाते हो या इधर पार्क में सो जाते हो? घर जाते हूँ। वाले साहब ने एक दफा 3 लाख रुपए लगाया, फिर मेरे भाई ने 2 लाख रुपए लगाया, अब अक गए हैं, फिर जाते मुझे दखल करने लगे। इसका जो बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक है, और भट खानदान से इनका ताल्लुक है? ये मेरे कोई दोस्त बैठे है बोल रही है, उन लोगों को पूछो कि जो मैं लाश गिरा दे आया था, सब मुझे कहते थे बालू 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 बालू। हाँ जी, बालू थे माशाल्लाह। 16 साल की उम्र में लड़की के साथ प्यार होता है, और फिर उसके बाद जब लड़की मिलती नहीं है तो नशा शुरू कर लेता है ये नौजवान, और नशे में वो हालत बन गई है इसकी। लेकिन अब कुछ साल बाद ये नशा छोड़ने लगा है उस लड़की की खातिर, क्योंकि बहुत प्यार करता है उससे। अब बाकी की बात इनसे करूँगा। क्या नाम है? मनसफ। मनसफ, मनसफ कैसे हो आप? ठीक। 16 साल की उम्र में प्यार हुआ था, लड़की कौन थी? मामू की बेटी। मामू की बेटी। वो भी करती थी प्यार? ठीक हो। तो उस टाइम 16 साल की उम्र थी, तो फिर नशे वाली साइड पे क्यों आए? बस मैं दोस्तों के साथ गलत में बैठना शुरू हो गया। गलत गैदरिंग बैठनी स्टार्ट कर ली? मतलब वो गलत नहीं है, मैं गलत। मैं आपकी बात कर, तुमने गलत गैदरिंग स्टार्ट कर ली, यारी दोस्तों में बैठना, सिगरेट पीना, चरस पीना। तो बस अब उसके लिए ही सही होने लगा हूँ। वापिस कितने साल नशा की? मैंने कोई 4 साल हो गए। 4 साल बाद ही क्यों याद आई है, इतनी देर क्यों लगाई? 4 साल बाद नहीं आई, डेली मैं कि तू घर जाता हूँ, उनको घर बहुत दूर नहीं है, घर के पास है। हाँ जी। अच्छा, नशा करके रोजाना घर जाते हो या इधर पार्क में सो जाते हो? घर जाते हूँ। घर जाते हो? मम्मी अबू के पास, बहन भाइयों के पास? वालदा नहीं है मेरी। वालदा नहीं है? वालद है। वालद प्यार करता है? जी। वालद क्या कहता है? कभी मना किया वालद ने, बेटा ये कौन सी हालत बना ली, रोता तो? वालद साहब ने एक दफा 3 लाख रुपए लगाया, फिर मेरे भाई ने 2 लाख रुपए लगाया, बस अब अक गए हैं, फिर जाते मुझे दखल कराने लगे। बस ये मैं हफ्ते का प्रोग्राम हूँ इधर, ठीक है जी। अच्छा, ये लड़के की मैं बात बताऊँ आपको, इसका जो बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक है, और भट खानदान से इनका ताल्लुक है, लेकिन जो इनके ख़ानदान है वो यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और खाते पीते घराने से हैं। लेकिन इस लड़के ने जो है ना, यकीन मानो अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ही दी है, लेकिन घर वाले भी परेशान रहते हैं इस लड़के के लिए कि इसने आखिर ऐसा किया क्यों है। याद नहीं आई, कभी सोचा नहीं है यार मेरी वजह से मेरे ख़ानदान का नाम बदनाम होगा, या मेरे घर वालों का होगा, मेरे भाइयों का होगा, मेरे वालिद का होगा? ये बात नहीं सोचा मैंने, चाहे घर भी जैसे किसी भी घर भी गया हूँ ना, अल्लाह के सब सही हूँ ना, इससे बुलाया। ठीक है, सही बुलाएंगे वो। हाँ। मैं अपने महल में भी रहता हूँ ना, कोई दोस्त किसी की शिकायत नहीं है, किसी की कोई शिकायत कि वही मेरा दोस्त नहीं है महल में। अच्छा, कभी नशे के लिए पूरा करने के लिए ऐसा कभी वक्त आया? सपोर्ट कौन करता है, यानी कि काम तो करते ही हो, जाहिर सी बात है नशा करते हो। शुक्र है, बड़ा कारोबार है, वाले सपोर्ट करता है, पैसे पूसे भाई बड़े बड़े भाई पैसे देते हैं? रोज का कितना खर्चा? माशाल्लाह 200-400 हो गया डेली, 200-400 में डेली का सबका नशा करते हो? नहीं, दुकान पे जाता हूँ पानों वाली, दिल करता ले लेता हूँ। खाना पीना अलग से? हाँ भाई। यकीन मन मैनू दुख होता है कि यार तू भी बट है, तो तू किहड़े चक्करां च पै गया है, तेनू बट कहंदे मैं शर्म आ रही है, क्यों आसा भी आ रहा है? क्यों नहीं आंदा? नहीं ना है, तू बट शक्लो लग ही नहीं रहा, सेहत तेरी बटां वाली नहीं हैगी। अच्छा, बस वो तो भी ये मेरे कोई दोस्त बैठे है बोल रही है, उन लोगों को पूछो कि जो मैं लाश गिरा दे आया था क्या लगता था, सब मुझे कहते थे बालू 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 बालू। हाँ जी, बालू थे माशाल्लाह। वो दिन याद नहीं आते थे? क्या देख के तुम्हें क्या लगता था कि आप सोचते नहीं हो कि यार मैं वैसे पहले जैसा हूँ? सोचा तो मैं अब हो रहे हूँ, अब इलाज करवाने जा रहे हूँ इंशाल्लाह। पक्की नियत कर ली है? पक्की है, तौबा कर लिया हर बुरे काम? मेरा भाई आज मुझे लेने गया था, टेस्ट कराए। ठीक है, अल्लाह माफ करे, एड्स की वो शिकायत हुई है अभी। किसकी? एड्स की। एड्स की शिकायत हुई है टेस्ट करवाने के बाद? मतलब उन्होंने क्या, अभी
मतलब कुछ हो नहीं सकता, यानी कि छू रही है अभी सिर्फ। हाँ, मेडिसिन खाएगा ना बस जी। तो यहाँ पे तो एड्स और हेपेटाइटिस बी सी पता नहीं कौन कौन सी बीमारी। तो मैंने सारे टेस्ट लिए है, उनके पास ओके बस ये है। तो मेरे भाई ने कहा क्या मतलब अब क्या करें, उसने कहा मेडिसिन ये खाए, मेडिसिन ले सही ठीक है एक हफ्ता बस। कितने भाई हैं? मेरे माशाल्लाह दो भाई बड़े बड़े दो हैं। तो उससे छोटा भी है और क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तीन भाई हो टोटल। भाई प्यार ज्यादा करते हो दोनों भाई? करी नहीं, मेरी कौन सी बड़ी सिस्टर है ना वो तो माँ का प्यार देती है। तो बड़ी सिस्टर जो होती है वो माँ साल करते तो मेरी वाला मुझे वो छोड़ गई। फोटो वो तुम्हारी टेंशन में हो गई होगी। मेरी टेंशन उधर कौन सा नशा करते थे 5 साल का था, मतलब हर शायद अल्लाह का शुक्र था मेरी वाला को ने दिमाग की नस पाड़ गई गंगाराम की MPBS। अच्छा मुझे ये बताओ, बट अब नीयत पक्की कर ली है उस लड़की की खातिर या बाप और भाइयों की खातिर? माँ बाप के खातिर, बहन भाइयों की खातिर ठीक है, उसके खातिर भी। कितने अगर 3-4 महीने इलाज करवा लो, इलाज के बाद फिर तो नहीं आओगे यहाँ? मैं 2 महीने का इलाज है मेरा ठीक है, कैमरे के आगे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 महीने का ठीक है मेरा इलाज है, इधर मैं आऊँ या ना आऊँ दोस्तों को मिलने नशा करूँगा ना बेशक। मेरी लो जी ये कहानी है इस पार्क की। इस पार्क का नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, यकीन माने जब मैं इस पार्क का नाम लेता हूँ ना तो सोचता नहीं हूँ कि इस पार्क में ऐसा कुछ हो रहा है। इस पार्क का नाम है अली पार्क, और जिसका नाम इस तरह का हो तो यकीन माने उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उस पार्क में गंदगी नहीं होनी चाहिए, गलाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्क की हालत देखे ना, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पर क्यों नशेई हैं, क्यों इतना यहाँ पे नशा क्यों करते हैं, यहाँ पे गंदगी क्यों है, ये हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। लेकिन इस जैसे बच्चे नौजवान अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हैं नशे की खातिर। DIG साहब ने तो एक्शन ले लिया है, नोटिस ले लिया है कि हम नशे के जोन जोन से पॉइंट बने हुए लाहौर में हो या पंजाब में जिधर भी हो, हम उसको बेनकाब करके रहेंगे, उनको पकड़ के रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह।